तो हे गाइज, एपिसोड की शुरुआत में जीत आई अपने डैड को समझाता है कि उन्हें खुद मीडिया के सामने जाकर सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए। इससे हो सकता है तो पब्लिक उन्हें माफ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जीत आई की तो मॉम खुद उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो ऐसी बहकी सी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जीता है नहीं रुकता है और वो खुद अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि वो मीडिया की एक मीटिंग बैठा है। अब नेक्स्ट सीन में जब हमारा जीत है कार को स्पीड करके अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तभी यहाँ पे उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब मिस्टर चोई को जैसे ही इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, वे उसी वक्त हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पे हारू बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन जीता की मॉम हारू को समझाने की कोशिश करती है एंड आफ्टर दैट उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। बट जीताई की मॉम के जाते ही उनके मोबाइल पे कॉल चला आता है जिसे मिस्टर चोई पिकअप कर लेते हैं। और यहाँ पे एक आदमी उन्हें बता रहा था कि जीताई की कार में लगे ब्लैक बॉक्स के कारण पुलिस सब कुछ पता कर लेगी, जिसके बाद तो मिस्टर चोई समझ जाते हैं कि इस एक्सीडेंट को उनकी वाइफ ने करवाया है। लेकिन जब जीता की मॉम मिस्टर चोई को बातें करते हुए देखती है तो उसके बाद वे खुद ही उन्हें सब कुछ बता देती है कि उन्होंने यह सब सिर्फ और सिर्फ मिस्टर चोई की भलाई के लिए किया है। इधर हमारे सिंजो को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर की बीमारी है। और यहाँ पे हमारा सिंजो खुद न्यूज में हर जगह अपनी फोटो को देख कर बहुत खुश हो रहा था। लेकिन घर के बाहर मैनेजर और सेक्रेटरी खूब बहुत ज्यादा रो रहे थे क्योंकि उनके लिए तो इसलिए मिस्टर चोई कुछ भी हो जाए इसे गुम ना करें। दोस्तों यहाँ पे हमारी नोयो सिर्फ ये चाहती है कि मिस्टर चोई को अपनी गलती पे सिर्फ पछतावा हो जाए, क्योंकि हमारी नोयो जानती है कि सिंजो के बारे में जानने के बाद मिस्टर चोई खुद बहुत ज्यादा दुखी है। अब थोड़ी देर के बाद जब मिस्टर चोई खुद उस वीडियो फोटोज को देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है, जिसके बाद तो फिर रोने लगती है। लेकिन इसके बाद क्या था, वे खुद सिंजो की मॉम को कॉल करते हैं और वे उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन जब वे उनसे बातें करने ही वाले थे तभी सिंजो की मॉम रोने लगती है और कहने लगती है कि आज तक सिंजो को कोई भी ऐसी परवरिश नहीं मिली जो कि उसे मिलना चाहिए, और उन्होंने मिस्टर चोई की इज्जत बनाए रखने के लिए किसी को ये नहीं बताया कि सिंजो ही उनका बेटा है। लेकिन हमने जो गलती की है उसकी सजा हमारे सिंजो को क्यों मिल रहा है, इस पे तो हमारे मिस्टर चोई कोई भी जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन उधर हमारी नोयू सिंजो से मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि चलो एक दूसरे के साथ रहते हैं जहाँ पे हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जिसके बाद क्या था, अब नेक्स्ट डे हमारा सिंजो नोयो को लेकर शहर के बाहर एक पेंट हाउस पे जाता है जहाँ पे ये लोग एक दूसरे के साथ रहने वाले थे। थोड़ी देर के बाद जब ये शॉपिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे ये लोग काफी फनी मोमेंट एंजॉय करते हैं, जहाँ पे तो हमारी नोयो फर्स्ट टाइम सिंजो के साथ इतना खुश दिखाई देती है। और यहाँ पे हमारा सिंजो तो अपना गम भी भूल जाता है जैसे कि उसे कोई बीमारी ही नहीं हो। लेकिन जब ये लोग घूम ही रहे थे तभी हमारे सिंजो को मिस्टर चोई कॉल कर देते हैं, उसे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए बुलाते हैं। अब इस पे तो हमारा सिंजो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड ने उसे बेटा कहा है। अब ये सिंजो की खुशी का ठिकाना नहीं था इसलिए वो नोयू को बताना भूल जाता है और वो उसी वक्त टैक्सी पकड़ के चला जाता है। यह देख के तो हमारी नोयू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि सिंजो आखिर उसे बिना बताए कहाँ चला गया।
अब नेक्स्ट सीन में हमारा सिंजो अपने डैड यानी मिस्टर चोई से मिलता है, जहाँ पे मिस्टर चोई के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। लेकिन हमारा सिंजो उनसे कहता है कि उसने कभी भी मिस्टर चोई को बुरा नहीं समझा है, बस वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रेंड की मदद कर रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मिस्टर चोई किसी भी गलत काम को अंजाम दे। और उसने हमेशा अपनी मॉम का ख्याल रखने की कोशिश किया है, ताकि मिस्टर चोई को किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद तो मिस्टर चोई वहीं पे रोने लगते हैं। लेकिन इधर हमारी नो यू सिंजो की बहुत समय तक इंतजार करती है। आफ्टर दैट कि जब सिंजो नहीं आता है तो वो मैनेजर को कॉल करके पूछती है कि सिंजो वहाँ पे पहुँचा है या फिर कहीं और गया है। लेकिन इस पर मैनेजर उसे बताता है कि सिंजो उन्हीं के साथ है, क्योंकि वो यहाँ पर एक लास्ट टाइम पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि आज मैनेजर का बर्थडे है। इन सभी बातों के सुनने के बाद तो हमारे सिंजो कुछ समय की उदास हो जाती है। बट यहाँ पे जब हमारा सिंजो पार्टी कर रहा था, तब यहाँ पे हर कोई रो रहा था। लेकिन हमारा सिंजो ने समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंजो ने अपनी पूरी लाइफ को जी लिया है। बट यहाँ पे हमारा जिक भी था, और वो भी बहुत उदास था। बट गाइस, इधर मिस्टर चोई सिर्फ और सिर्फ सिंजो के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, और फिर भी उसने स्नोयू के लिए इतना कुछ सहा है, जिस पे सच में मिस्टर चोई को गिल्टी फील होने लगता है, और वे खुद मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कॉल करते हैं। इधर हमारा जब सिंजो शाम को वापस पेंट हाउस पहुँचता है, तो वो देखता है कि नोयू वहाँ पे बैठ के रो रही है। लेकिन जब हमारा सिंजो उसके पास जाके देखता है, तो उसे पता चलता है कि नोयू को बहुत तेज बुखार है, जिसके बाद हमारा सिंजो खुद नोयू को अपनी गोद में उठा के उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद तो हमारी नोयू का इलाज होता है, बट यहाँ पे सिंजो सिर्फ और सिर्फ नोयू के बारे में सोच रहा था कि उसके मर जाने के बाद नोयू का क्या होगा। अब नेक्स्ट डे जब हमारी नोयू ठीक हो जाती है, तो हमारा सिंजो उसकी केयर करने की कोशिश करता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, और इसलिए वो उसे अपना जैकेट देता है। बट हमारी नोयू तो सिंजो के बारे में सोच सोच के परेशान थी। लेकिन जब हमारा सिंजो नोयू को उदास देखता है, तो वो खुद समुद्र किनारे खड़ा हुआ चिल्लाते हुए कहता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, वो तो अभी 30 साल का भी नहीं हुआ है, और उसने अपनी मॉम के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, तो उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रहा है। यह सब सुनने के बाद तो हमारी नोयू दौड़ते हुए जाती है और सिंजो को गले लगा के रोने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब हमारा जीता ठीक हो जाता है, तो उसे पता चलता है कि सिंजो ने जिस वीडियो को रिकॉर्ड किया था, अब वो पुलिस के पास चली गई है, जिसके कारण मीडिया में हर कोई गुस्सा है। वहीं पे मिस्टर चोई अब पुलिस के पास अपनी गवाही को देने जाते हैं, जहां पे भी पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। इधर जब हमारी यून अपने सामान को पैक करके देश छोड़ने की प्लानिंग कर रही थी, तभी उधर से दो पुलिस ऑफिसर चले आते हैं, और वे लोग उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। बट गाइस, इधर हमारे नोयू अभी भी सिंजो के साथ थी, जहाँ पे नोयू सिंजो के डॉग के लिए उसके घर पे पेंटिंग कर रही थी। बट इसी के दौरान अब इन दोनों के बीच में काफ़ी फनी मोमेंट चालू हो जाता है, जहाँ पे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, और इस प्रकार से ये लोग काफ़ी फनी मोमेंट इंजॉय करते हैं। बट आफ्टर दैट हमारा सिंजो अचानक से नोयू को किस कर देता है, और ये हमेशा की तरह काफ़ी लॉन्ग टाइम किस था। लेकिन गाइज, उधर हमारा जीत है खुद अपने डैड के पास जाके उन्हें थैंक्स कहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती को मान लिया है। लेकिन उधर हमारी हारू को अब सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो जीक से मिलने जाती है, और वो उससे कहती है कि उसे अब सब कुछ समझ में आ चुका है कि क्यों जीक ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। जिसके बाद क्या था, हमारी हारू उसे माफ कर देती है, और इस प्रकार से अब ये दोनों भी मिल जाते हैं। लेकिन हमारा जीत है खुद अब नोयू से मिलने के लिए पेंट हाउस में पहुंचता है, बट यहाँ पे जब हमारा सिंजो उसे देखता है, तो वो उसे इग्नोर करके चला जाता है, जिसपे हमारी नोयू उसे बताती है कि ब्रेन ट्यूमर के कारण सिंजो धीरे धीरे अपना याददाश्त खो रहा है, और कुछ दिन पहले तो उसने नोयू को भी पहचानने से मना कर दिया था। यह सुनने के बाद खुद हमारा जीत है सिंजो के पास जाता है, जहाँ पे सिंजो तो जीता को पहचान भी नहीं पा रहा था, और तब यहाँ पे हमारा जीता उसके सामने रोते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, और मैंने कभी भी तुम्हारा ख्याल नहीं रखा है। बट सिंजो खुद जीता के बारे में भूल चुका था, और इसलिए वो खुद उसे इग्नोर कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमारा जीता यून से मिलने पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे यून का घमंड तो अभी भी वही के वही पर था, और वो जीता से सही से बातें भी नहीं करती है।
उधर जब सिंजो की मॉम सिंजो से मिलने पहुंचती है तो सिंजो उन्हें नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वो उनसे कहती है कि वो नोयू से मिलने आती है। तब हमारा सिंजो खुद उनका ख्याल रखता है, बट हमारे सिंजो को भूख लगा हुआ था इसलिए सिंजो की मॉम खुद उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है और वो उसे देती है। जब हमारा सिंजो उस खाने को ट्राई करता है तो उसे अब याद चला आता है कि इसका स्वाद खुद उसकी मॉम के जैसा है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि वही उसकी मॉम है। जिसके बाद हमारा सिंजो खुद अपनी मॉम के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि अब उसके पास खुद जीने के लिए टाइम नहीं है और इसलिए यहाँ पे ये दोनों रो रहे थे। उधर मिस्टर चोई को अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, इसलिए हमारा जी टाई खुद अब उनकी पोजीशन को संभालता है। अब शाम को हमारी नोयू सिंजो के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारे फनी फोटो क्लिक करते हैं, जहाँ पे ये लोग खुश दिखाई देते हैं। बट थोड़ी देर के बाद हम सिंजो खुद नोयू के कंधे पे सिर रख के सो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही इमोशनल सीन था। आफ्टर डैट हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे मैनेजर और सिक्योरिटी अभी भी सिंजो के बारे में ही बातें कर रहे थे और फिर उस साथ में वहाँ पे बैठकर सिंजो का एक वीडियो देखते हैं, जिसे सिंजो ने खुद उन लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे सिंजो उन्हें बताता है कि किस प्रकार से वे तीनों सिंजो के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिंजो की मदद की है। इधर एजेंट नोयू के काम से इतना ज्यादा खुश था कि वो उसे एक परमानेंट जॉब दे देता है। अब शाम को जब हमारी नोयू बस स्टॉप पे सिंजो की फोटो को देखती है तो वो उसे देखने के बाद मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मुझे एक बात तुमसे अभी भी पूछनी है और मैं ये तुमसे जरूर पूछूंगी। और फाइनली इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये ड्रामा तो सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से ड्रामा को देखा था वो बहुत ज्यादा इमोशनल था और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मुझे इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।